धनीपुर का रहने वाला निखिल अपने दोस्त विपिन के साथ गवाना शादी समारोह में गया था। देर रात शादी से लौटते वक्त निखिल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विपिन निखिल के पास नहीं मिला। पुलिस ने निखिल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। अंदर ले, अंदर ले जाओ। ये निकला था, मैं शादी में जा रहा हूँ, क्या कहते हैं, गवाना अपने दोस्त के साथ, सुमित नाम का लड़का था उसके साथ। हाँ, फिर ये जो है रात को लौटे वहाँ से, तो हमने कम से कम 4-5 बार फोन किया, तो उसका फोन चालू था। ये बोला मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। एंड में बोला मैं खैरेश्वर के पास हूँ और मैं 15-20 मिनट में पहुँच जाऊँगा, लेकिन ये नहीं आया। फिर रात को 1:30 बजे फ़ोन किया, 1:30 बजे भी इसका फ़ोन चालू था, क्या कहते, बोला मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर 1:30 बजे के बाद फ़ोन बंद हो गया। फिर हमने 4 बजे फ़ोन किया, 4 बजे से इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद पता ही नहीं। फिर हमें जो है यहाँ से मलखान सिंह हॉस्पिटल से यहीं से खबर गई, जैसे कोई 10:30 बजे के आसपास, कि ऐसे ऐसे आपका लड़का मलखान सिंह हॉस्पिटल में इमरजेंसी में, आप तुरंत आ जाओ। दोस्त कहाँ है जो साथ में था? अब ये दोस्त पता नहीं, उसका पता नहीं है वो कहाँ है क्या है, और हम ये भी नहीं जानते वो कहाँ रहता है। जो जानता था यही जानता था, ये स्कूटी से था, अब इसकी स्कूटी भी यानी कहाँ है पता नहीं है, एक्सीडेंट किस चीज़ से हुआ ये भी पता नहीं है।